गृह मंत्री जी का 3 दिन का दौरा पश्चिम बंगाल का है। वो 1.5 दिन करीब नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी में रहेंगे। रात्रि विश्राम भी उनका सिलीगुड़ी में होगा और यात्रा के दौरान सांगठनिक बैठक भी होगी, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, सिलीगुड़ी में पब्लिक रैली भी होगी और इसके अलावा भारत के गृह मंत्री होने के साथ वो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और यहाँ की नॉर्थ बंगाल की जनता के साथ हो रहा भेदभाव और यहाँ पे होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। हम सब जानते हैं दार्जिलिंग 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ यह इलाका है और जिस तरह से आए दिन मालदा या सिलीगुड़ी में जो बम मिल रहे हैं, जिस तरह से रोहिंग्यास रोज पकड़े जा रहे हैं, यह हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और चिकन नेक क्षेत्र को, सिलीगुड़ी को हम टीएमसी या ममता दीदी के सहारे नहीं छोड़ सकते और इन सब जगह समीक्षा होगी। जितने भी दल बने ये उन सबका अधिकार है, मैं सबका स्वागत करूंगा, सबको समान अधिकार भारत के संविधान ने दिया है और उसका उपयोग उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मुझे बस एक ही बात की चिंता होती है, पहाड़ की जनता को लेकर के जो गंभीरता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता में होनी चाहिए वो नहीं। मैं देखता हूँ पॉलिटिकल पार्टियाँ बनती है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बिखर जाती है। मेरा आपके माध्यम से पहाड़ के तमाम पॉलिटिकल पार्टी तमाम नेताओं से यही अपील है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गोरखाओं के संकल्प को पूरा करेगी और जल्द करेगी। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप विकास के नाम पे छोटे मोटे विषय के नाम से बढ़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक गोरखाओं का सपना है, गोरखाओं के जो मुद्दे हैं, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ आप संगठित रहिए, क्योंकि आज तक यही हो रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तोड़ो और राज करो, फोड़ो और राज करो। आज ममता दीदी देखिए 5 पार्टियों के साथ उनका अलायंस है और सबके साथ जो है एक समान अलायंस है, पांचों को आपस में लड़ाती है, गोरखाओं के अंदर 16 बोर्ड बना दिए और इस तरह से फूट डालो और राज करो और इल्लीगल तरीके से दार्जिलिंग में कब्जा बनाई हुई है। सो मैं ये चाहता हूँ ये आप समझिए हिपोक्रेसी को और इससे बचना होगा, गोरखाओं को न्याय अवश्य मिलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है ये तमाम हम जानते हैं और कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन हम सबको एक रहना उनका स्टाइल है, उसके कारण उस बच्ची को अपना जान बचाने के लिए आग में अपने आप को जला करके अपनी हत्या करनी पड़ी। एक मुख्यमंत्री जो स्वयं महिला है, उनके राज्य में एक 14 साल की ट्राइबल बच्ची अपने आप को जिंदा जलाती है सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत और परिवार की इज्जत बचाने के लिए। और मुख्यमंत्री सजानो घटना, लव अफेयर, ऐसे छोटे छोटे तुच्छ शब्दों का प्रयोग करके जनता का, पश्चिम बंगाल की नागरिक का अपमान कर दिया है। और आज पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से चरमराई हुई है। कल ही जो है 5 बच्चे मालदा के अंदर में क्रिकेट का गेंद समझ करके उससे खेलते हैं और वो बम निकलता है, जब वो फटता है तो 5 बच्चे घायल हो जाते हैं। ये बम बारूद बंदूक की फैक्ट्री और पश्चिम बंगाल में एक ही एमएसएमई ऐसा है जो ग्रोथ पे है, वो है बम बनाने का, बारूद बनाने का और बंदूक बनाने का एमएसएमई। और बड़ी बड़ी जो है बात मुख्यमंत्री जी करती हैं, आप देखिए अभी बिजनेस इकोनॉमिक समिट हुआ पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में, और आप कल्पना करिए आज तक 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हो चुका है लेकिन धरती में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, जब देश आज़ाद हुआ पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी भारत के जीडीपी में 33% कंट्रीब्यूशन पश्चिम बंगाल का होता था, जो आज मात्र 3% रह गया है। आप कल्पना करिए इतना बिलियंस ऑफ डॉलर आज FDI विदेशों से इन्वेस्टमेंट भारत आ रहा है
2011 में पश्चिम बंगाल में 1% जो है FDI आता था, आज 2022 में भी मात्र 1%। पश्चिम बंगाल का युवा बेरोजगार है। कल ही हमने जो एक प्रोटेस्ट रैली की कलकत्ता में, आप सबने देखा होगा आज किस तरह से शिक्षा में राजनीतिकरण हुआ है। और ये स्वामी विवेकानंद जी की धरती, और ये जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती, इसको कलंकित करने का काम BMC और ममता दीदी ने किया। आज पश्चिम बंगाल का युवा BEd और जो है डिग्री करने के बाद, डीलेट करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद वो बेरोजगार रहने को मजबूर है। और जब रोजगार के लिए मेरिट लिस्ट निकलता है, जिन शिक्षकों का उसमें नाम होता है उनको नौकरी नहीं मिलती। जो लोग BMC के साथ जुड़े हैं उनके कार्यकर्ता, उनके पालतू गुंडे और उनके जो समर्थक हैं उनका लिस्ट में नाम आ जाता, उनको नौकरी मिलती है। अब पश्चिम बंगाल का युवा चुप नहीं रहेगा। और विशेष करके नॉर्थ बंगाल में तो आप कल्पना कीजिए, यहाँ पे जो है कोई भी कमीशन, स्कूल कमीशन है ही नहीं। यहाँ तो आग बन करके सब कुछ TMC के हिसाब से होता है। आने वाले समय में नॉर्थ बंगाल के युवा बड़ा आंदोलन को जन्म देंगे। हम सड़क पे उतरने को मजबूर हैं। अगर यही रवैया TMC और ममता दीदी का रहा तो नॉर्थ बंगाल वो पहला क्षेत्र होगा जहाँ TMC को शून्य करके हम ये दिखाएंगे। ये हमारा कसम है, ये हमारा वादा है। और मैं गोरखा हूँ, जो बोलता हूँ उसको करता हूँ, जो नहीं बोलता मैं उसको भी करता हूँ। दादा मैं तो बार बार ये मांग करूँगा, पश्चिम बंगाल को बचाइए। असल में भारतीय जनता पार्टी हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। इस सिद्धांत के राजनीति के करने के साथ हमारे साथ एक समस्या ये भी है, आज अगर कांग्रेस की राज्य में सरकार होती कम से कम 10 बार इस सरकार को बर्खास्त कर चुकी होती। लेकिन हमें जो शिक्षा मिली है, हम जिस सिद्धांत की राजनीति करते हैं, लेकिन मेरा फिर भी आपके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी वरिष्ठ नेताओं से, चाहे BJP के हों चाहे विपक्ष के हों, मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, बंगाल की स्थिति बहुत भयानक है। यही स्थिति रहा, या तो ये ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा या भारत का ये दूसरा कश्मीर बनेगा। इसको बचाना भारत के लिए बहुत अनिवार्य है। मैं यही आपके माध्यम से, दादा वैसे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, माननीय गृह मंत्री जी कहे थे कि बंगाल में आना तो अपना जान गंवाना, तो उस जगह पे खुद बंगाल में आ रहे हैं, तो आपको क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस टिप्पणी को? देखिए, आप इस टिप्पणी की गंभीरता को समझिए। अगर गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं बंगाल में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको जान गंवानी पड़ती है। मैं मजाक में अपने युवा मोर्चा के सभी साथियों को कई बार कहता हूँ, भैया बंगाल आ तो रहे हो, रिटर्न टिकट मत लेने ला, अभी पैसा खर्च मत करना, बच गए तो वापस जो है टिकट काट लेना। ये वास्तविकता है। और ये हम आने वाले समय में, आप देखिए, इसको लेकर के हम बड़ा आंदोलन करेंगे, देश भर में जाएंगे और देश भर में जाकर के बंगाल को बचाने की। आप देखिए, ये वो धरती है, ये पुण्य भूमि है, ये पवित्र भूमि है, वीरों की भूमि है, इसको कलंकित किया है। मैं इतना ही नहीं, 300 से ज्यादा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देश भर से पश्चिम बंगाल में आए हैं। जितने जिलों में आएंगे, जितने जिलों में शिक्षा हुई है, जहाँ हमारे कार्यकर्ता की मौत हुई है, सबके परिवार से मिलने की एक बड़ी योजना। दादा आज आप माननीय प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री का मीटिंग है कोविड के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री, उनका एक अलग संबंध और अलग प्रोटोकॉल होता है, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन मेरा निवेदन है भारत के प्रधानमंत्री जी से, जब भी दीदी आपसे मिले, कृपया पहले आप ये कही है कि इतनी सारी हत्याएं पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही है, इतनी सारी बच्चियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं, इतना करप्शन और कटमनी क्यों चल रहा है, इतना बम बारूद और बंदूक की फैक्ट्री को आप
क्यों जिंदा कर रही हो। मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा, प्रधानमंत्री होने के साथ उनको हर एक से मिलना उनको ये पड़ेगा। कोई मुख्यमंत्री समय मांगती है तो शायद वो मना नहीं कर सकते, लेकिन मेरा इतना आग्रह रहेगा कि ममता दीदी को कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री जी को उनको राजू जी सब प्रश्न कर। राजू जी, एक सवाल है कि पश्चिम बंगाल का आपका जो संगठन है वो अभी कैसा हालत में है, क्योंकि अर्जुन सिंह, उसके बाद सौमित्र खान, उसके पहले शांतनु ठाकुर, ये सब किंतु थोड़ा सा अलग टोन से बात कर रहा है, जो कि बीजेपी का संगठन के लिए अच्छा नहीं है। तो अगले जो चुनाव है लोकसभा के 2024 में, कितना आप लोग मोड़ के खड़ा होने से कहिए, खास करके दार्जिलिंग में। देखिए, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। कल ही आपने कलकत्ता में छोटा एक डेमो देखा होगा, और आने वाले समय में पूरे पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे। मैं इतना जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवार की, एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा संगठन है, और कई बार जब नेता अपने आप को संगठन से ऊपर मानता है, ये उसकी कमी है, संगठन की नहीं है। हमारी संगठन पवित्र है, गंगा की तरह अमृत है, और ये वो संगठन है। हम सिर्फ राजनीति में चुनाव लड़ने या चुनाव जीतने के लिए नहीं है, अंत्योदय का हमारा सपना है, समाज में आखिरी पंक्ति तक जो बच्चा या जो युवा जो साथी खड़ा है, उसे भी जो है सुशासन, और उसे भी राम राज्य, उसे भी सरकारी योजना पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के साथ हमारे जैसे पता नहीं कितने युवा पूरा अपना जीवन निछावर करके संगठन के साथ लगे हुए, अपना काम धंधा सब छोड़ करके, सो ये पवित्र संगठन है। और मैं इतना ही कहूँगा, कभी भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, हमारे लिए देश बड़ा है, उसके बाद संगठन है, अगर उसके बाद कुछ बचा है उसमें आप हो, और पहले आप पहले उनके ऑफ ट्यून कोई आपको हानि नहीं करेंगे, ऑफ जो ट्यून है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं किसी के टिप्पणी पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बगैर किसी के नाम लिए ये बता रहा हूँ, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, फिर हमारा संगठन, फिर XYZ। Sunshine High School, over 45 years in academic excellence. We prepare children for a better tomorrow. We focus on better environment, culture, literacy, enlightenment, and above all, upbringing of the students. For further details, visit www.schoolsunshine.in.